ये हम लोग साउथ अमेरिका शुरू करने जा रहे हैं, तो साउथ अमेरिका का पहले हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये आपके सामने बोर्ड में साउथ अमेरिका का नक्शा बना हुआ है। इसके सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और इसके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इस कॉन्टिनेंट के आजू बाजू कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां देखना है इसके वेस्टर्न साइड, ये पूरा पैसिफिक ओशन, यहां पर पूरा पैसिफिक ओशन है, यहां पर आपका ईस्टर्न साइड में पूरा अटलांटिक ओशन है, और इसके नॉर्दर्न साइड में जो है वो कैरेबियन ओशन है, कैरेबियन सी है, और इसके सदर्न साइड पे एकदम नीचे सदर्न ओशन है, ठीक है। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, वेस्ट में पैसिफिक ओशन, साउथ में सदर्न ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में कैरेबियन सी। तो ये चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें जो कंट्रीज है, ठीक है। तो कंट्रीज में हम लोग देखते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, फिर इसमें फिजिकल करूंगा, तो समझ लेंगे हम लोग। ये लंबा लंबा देश है चिले, उसके बाद पेरू, ई से इक्वेडोर, सी से कोलंबिया, वी से वेनेजुएला, ये गुयाना, GUYANA गुयाना, गिनिया एक देश है अफ्रीका में, GUINEA यहां पर है, GUYANA गुयाना, ठीक है। एस फॉर सुरीनाम, SURINAME सुरीनाम, ये है फ्रेंच गुयाना, ये पूरा बड़ा देश जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये है ब्राजील। फिर ये है यू फॉर उरुग्वे, पी फॉर पराग्वे और ए फॉर अर्जेंटीना, ठीक है। तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितने देश साउथ अमेरिका में हैं। हम लोग यहां से शुरू करते हैं सी से, 1 2 3 4 5 ब्राजील 6 7 8 ये है बोलीविया 9, पेरू 10, इक्वेडोर 11, चिले 12 और अर्जेंटीना 13। 13 देश केवल इस कॉन्टिनेंट में है, सबसे कम देशों की संख्या साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये एक जानकारी हो गई, ये बोलीविया और ये पेरू, बोलीविया और पेरू के बीच में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक जो नेविगेबल लेक है वो है लेक टिटिका। अब यहां ध्यान समझना है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल झील दोनों अलग अलग है। नेविगेबल माने जिसमें नाव चलाया जा सकता है। तो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो तो इंडिया में है, सिक्किम वगैरह में, ठीक है। लेकिन ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल झील है, नौगम्य झील है, जिसमें नाव चलाया जा सकता है, ठीक है। लेक टिटिका, यहां पर एक लेक माराकाइबो, ये जो पूरा गड्ढा सा बना दिख रहा है ये है लेक माराकाइबो जो कि वेनेजुएला का पार्ट है। ये एक एमेजोन रिवर के माउथ पर, अभी हम देखेंगे, एक बहुत बड़ा आइलैंड है जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा रिवर आइलैंड है, मारावो आइलैंड, ठीक है। एक सबसे बड़ा आइलैंड, रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर लोकेटेड है, ठीक है, माजुली आइलैंड, ठीक है, और ये है मारावो आइलैंड, ठीक है। फिर देखते हैं, ये एक एस्टुरी वाला एरिया है जिसका नाम है रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा एक एस्टुरी है जहां पर पराना परागवे नदी गिरती है, अभी हम बाद में देखेंगे। ये एक एरिया निकला हुआ है यहां पर, यह है वाल्देस पेनिनसुला जो कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका है, हाईएस्ट पॉइंट हम बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं वाल्देस पेनिनसुला, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। ये एक ट्रायंगुलर सा आकार आपको दिख रहा है, ये है टेरा डेल फ्यूगो, एक जगह का नाम है टेरा डेल फ्यूगो जो कि चिले और अर्जेंटीना के बीच में डिवाइडेड है। ये जो लाइन खींची है, लाइन के इस तरफ मेरी यहां उंगली है, ये चिले का पार्ट है और इधर वाला पार्ट यानी वेस्टर्न पार्ट चिले का है, ईस्टर्न पार्ट अर्जेंटीना का है। ये एक आइलैंड लोकेटेड है, ये फॉकलैंड आइलैंड, ये फॉकलैंड आइलैंड विवादित है अर्जेंटीना और यूके के बीच में। फॉकलैंड आइलैंड को साउथ अमेरिका के मेनलैंड से अलग करने वाली जलसंधि गुजरी हुई है, इसका नाम है मैगलैन जलसंधि, मैगलैन स्ट्रेट, ठीक। इधर कैरेबियन सी में यहां पर एक कैरेबियन आइलैंड का एक कंट्री है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट नहीं, उसको मिडिल अमेरिका में अलग से पढ़ेंगे, केवल लोकेशन दिखाने के लिए बताया।
ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हमने यहां पर देख लिया, और ये एक कंट्री है पनामा, ये पनामा एक कंट्री है मिडिल अमेरिका, ठीक है। तो मिडिल अमेरिका को, अभी मिडिल अमेरिका क्या है हम आगे देखेंगे, कुल मिलाकर के ये एक लैंड बॉडी है। तो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड बॉडीज इज नोन एज इस्थमस, स्थल संधि। तो पनामा एक स्थल संधि है जो कि साउथ अमेरिका को आगे नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है, ठीक है। तो ये जल संधि नहीं है, स्थल संधि है, ठीक है। तो पनामा इज एन इस्थमस, ISHTHMUS, इस्थमस, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हमने देख लिया। अब इसमें जो कुछ ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं मैं इसको मिटाऊंगा, और इसमें अब हम लोग इसकी फिजियोग्राफी देखेंगे, यानी कहां पर एंडीज माउंटेन है, अमेज़न रिवर कैसे निकलती है, ठीक है। ये तमाम चीजें हम लोग देखेंगे। अब इसकी फिजियोग्राफी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन, दुनिया का सबसे लंबा लेंथीएस्ट माउंटेन जो है एंडीज माउंटेन। ये पूरे आपको जो दिख रहे हैं, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये पूरा ब्रांच, ये पूरा माउंटेन मिलाकर के जो है एंडीज माउंटेन कहलाता है, ANDES, एंडीज माउंटेन कहलाता है। इस माउंटेन का जो चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा, ये बोलीविया कंट्री के पास है। आप देख सकते हैं यहां पर ये चौड़ा हो गया, ठीक है। तो इधर नॉर्थ में पतला है, साउथ में पतला है, सेंट्रल पार्ट इसका जो है वो थोड़ा चौड़ा है, तो बोलीविया में ये बहुत चौड़ा हो जाता है। इसके अलग अलग भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हिमालय है तो उसको मिडिल हिमालय, फिर इधर आउटर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, उसी प्रकार इसका जो सबसे ये वाला भाग है इसको कहा जाता है कॉर्डिलेरा सेंट्रल। लैटिन भाषा में कॉर्डिलेरा का मतलब होता है पर्वत, और सेंट्रल का मतलब जो सेंटर में पड़ता है। तो ये वाला भाग जो है, जो आपको इधर मिल जाएगा कोलंबिया में, ये कहलाता है कॉर्डिलेरा सेंट्रल। और ये जो एकदम आपके बिल्कुल ईस्ट में पड़ेगा उसका नाम है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ओरिएंटल का मतलब ईस्ट होता है, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ठीक है। और ये वाला भाग, ये कॉर्डिलेरा सेंट्रल, सॉरी कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल माने बेस्ट, ये सबसे बेस्ट में। आप देख सकते हैं अगर हम एक सीधी लाइन खींचे तो यहां से ये वाला बेस्ट में है, ये सेंटर में है और ईस्ट में, ठीक है। तो तीन नाम है इसलिए याद रखना है, ये एंडीज के ही पार्ट है, ठीक। अब इसमें कुछ हाईएस्ट पीक्स, हम कुछ पीक्स देखते हैं इस माउंटेन में। तो ये पूरा माउंटेन एकदम आप देख सकते हैं कि तीन देशों को छोड़ करके, छह देशों को छोड़ करके, 13 में से 6 देशों को छोड़ दें तो 7 देशों में एंडीज माउंटेन फैला हुआ है। कौन कौन से कंट्री में जो है माउंटेन नहीं है, तो आप देख सकते हैं ब्राजील में नहीं है, फ्रेंच गुयाना में नहीं है, सुरीनाम में नहीं है, गुयाना में नहीं है, और इधर ये पराग्वे है, पराग्वे में नहीं है, उरुग्वे में नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्रीज में फैला हुआ है आप यहां से शुरू करेंगे, वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, इक्वेडोर में है, फिर इधर पेरू में है, बोलीविया में है, चिले में है, अर्जेंटीना में, तो इतने देशों में ये फैला है, और इधर वाले देशों में, इन इन देशों में ये नहीं फैला है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंडीज 13 देश है साउथ अमेरिका के, उनमें से कितने देशों में फैला है, कितने देशों में नहीं फैला है, ठीक है। अब बाकी इसकी लेंथ वगैरह हम लोग थोड़ा डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब हम यहां देखते हैं कि इसके कुछ हाईएस्ट पीक्स, तो यहां पर इक्वेडोर में एक पीक लोकेटेड है, ये माउंट कोटोपैक्सी, वोल्केनिक आइलैंड है, वोल्केनिक माउंटेन है ये। फिर ये दूसरा उसके नीचे, ये भी इक्वेडोर में है, और आपको ध्यान रखना है इन दोनों के बीच से इक्वेटर लाइन गुजरती है, यहां से इक्वेटर गुजरती है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, ठीक है। ये वाला है माउंट चिम्ब्रेजो, दोनों की हाइट भी लिखी हुई है, ये 5897, ये 6267। और नीचे आते हैं तो यहां पर चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एक माउंटेन पीक है, ओजास डेल सेलेडो, 6893 मीटर इसकी हाइट है, ये जितने हाइट है सब मीटर में। इधर एक और माउंटेन है माउंट एंकाकागुआ, ACONCAGUA, माउंट एंकाकागुआ 6960,
तो इन सब में से सबसे हाईएस्ट पीक साउथ अमेरिका की माउंट एंकागुआ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका माउंट एंकागुआ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका बाल्डेस पेनिनसुला। ठीक है, चलिए, ये माउंटेन एक के बीच में एक पास है, ठीक है, जो चिले से अर्जेंटीना तक के लिए रास्ता बनाती है, और ये माउंटेन पास का नाम है उस प्लाटा पास, USPLLATA, उस प्लाटा पास। ठीक है, तो ये हमने माउंटेन देख लिया, अब हम देखते हैं दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न यहां पर बहती है। ये है अमेज़न रिवर, ये मेन ब्रांच है अमेज़न रिवर की, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि अलग से समझ में आए। ये है अमेज़न रिवर, ये अमेज़न रिवर यहां से बह रही है। ठीक है, कहां से निकलती है अमेज़न रिवर, जो है वो आप देख सकते हैं पेरू के, पेरू से एंडीज माउंटेन से निकलती है। ठीक है, और फिर पेरू, बोलीविया, ब्राजील, तीन देशों में बहते हुए आगे ये इधर इस जगह पर गिर जाती है जो कि अटलांटिक ओशन है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में इधर गिर जाती है, और इसी जगह पर अपना एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा में एक आइलैंड है माराजो आइलैंड। ठीक, अब इसकी ये कुछ सहायक नदी है, नंबर एक की जो सहायक नदी है इक्वेडोर से निकलती है, कोलंबिया से निकलती है एंडीज माउंटेन से, और एक नंबर के रिवर का नाम क्या है यहां पर लिखा हुआ है, एक नंबर के रिवर का मतलब है पुतुमायो रिवर, ये एक नंबर वाला, ये पुतुमायो रिवर। नंबर दो जापुरा रिवर, और ये जापुरा रिवर जो है अमेज़न मेन रिवर से एक जगह पर मिलती है, वहां पर एक बहुत फेमस सिटी लोकेटेड है ब्राजील का मानाउस। ये सिटी क्या है, ठीक है, यहां पर रबर की अच्छी खासी खेती होती है, हम आगे समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये मानाउस सिटी पर आकर के जापुरा रिवर अमेज़न से मिलती है। तीन नंबर का जो ये रिवर है, ये इसका नाम है जुरुआ, JURUA, जुरुआ। चार नंबर का रिवर पुरुष, पांच नंबर का रिवर मदिरा, ये मदिरा रिवर, छह नंबर का ताजापोस रिवर, सात नंबर का झिंगू रिवर। ठीक है, तो ये अमेज़न मेन रिवर हो गई, और इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, ये हमें इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं मैप में। फिर एक और बड़ी महत्वपूर्ण रिवर है साउथ अमेरिका में, वो है पराना, और उसकी सहायक नदी पराग्वे रिवर। ठीक है, ये पराना, पराग्वे रिवर कहां कहां से निकलती है, हम लोग आगे उसको देखेंगे कहां से निकलती है, कहां गिरती है, और उसके बीच में सिटी कौन कौन सी है, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी केवल मैपिंग वर्क पे हम देखें। तो ये मेन रिवर है पराना रिवर, ये मेन रिवर है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है पराग्वे रिवर, दोनों को मिलाकर के कहा जाता है पराना पराग्वे रिवर सिस्टम। ठीक है, जो कि कहां पर आकर गिरती है, रियो डी ला प्लाटा में आकर गिरती है, जो कि एक एस्टुरी है। ठीक, और एक तीसरी रिवर है जो कि यहां पर एक माटो ग्रासो प्लेट्यू है, यहां से निकलती है, और फिर ये सैन फ्रांसिस्को रिवर कहलाती है, और इधर अटलांटिक ओशन में आकर के गिर जाती है, और ये पूर्ण रूप में ब्राजील में बहने वाली रिवर है। जबकि पराना और पराग्वे अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे, पराग्वे इत्यादि से होकर बहती है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर, अमेज़न और उसकी ट्रिब्यूटरी, पराना और उसकी ट्रिब्यूटरी, और सैन फ्रांसिस्को हमने देखा, पीक्स देखे, माउंटेन देखा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे इसमें पाए जाने वाले डेजर्ट्स। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करूंगा, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे यहां पर पाए जाने वाले डेजर्ट्स और कुछ घास के मैदान। ठीक है, थैंक यू।